धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1967 जून की बात है। उन दिनों मैं अपने गांव हिमायू खेड़ा में रहता था। एक दिन मैं दरबार में शहनशाहों के शहनशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन करने के बाद शाम को वापस अपने गांव जाने के लिए सरसा शहर में बस अड्डे पर पहुंचा। उस समय शाम के लगभग 8 बज चुके थे और रानियां जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। तब बस जाने का तो कोई समय नहीं था। 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं शहर में किसी प्रेमी के घर रात ठहरने के लिए चल दिया, क्योंकि सुबह पहली बस से मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अभी मैं प्रेमी के घर की ओर 3-4 कदम ही चला था कि इतने में एक 3 पहियों वाला टेम्पू आ पहुंचा। ड्राइवर ने आवाज़ दी, ओटू रानियां, यानी टेम्पू ने ओटू हेड से रानियां को जाना था। मैं इस विचार से टेम्पू में बैठ गया कि रात को रानियां डेरा सच्चा सौदा दरबार में विश्राम करके सुबह पहली बस से अपने गांव चला जाऊंगा। टेम्पू में पहले भी 3 सवारियां बैठी थी जो कि रास्ते में गोबिंदपुरा गांव में उतर गई। मैंने ड्राइवर को रानियां दरबार के आगे रुकने के लिए पहले ही कह दिया था। रानियां डेरे से 100-150 गज पहले ही ड्राइवर ने टेम्पू को न्यूट्रल कर दिया, परंतु उसने ब्रेक नहीं लगाए, जिससे टेम्पू अपनी उसी रफ्तार से चला जा रहा था। गर्मी का मौसम था, अचानक ही तेज आंधी चल पड़ी व बिजली भी एकदम चली गई, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा कि टेम्पू दरबार के सामने रुक गया है, इसलिए मैंने उतरने के लिए ज्यों ही अपना पांव जमीन पर रखा तो मैं एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि टेम्पू तो अभी चला जा रहा था। ड्राइवर को मेरे गिरने का पता नहीं लगा, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत था, दूसरा आंधी भी जोर से चल रही थी। असलियत तो यह थी कि ड्राइवर ने तो दरबार के सामने जाकर ही ब्रेक लगाने थे। इस बात का मुझको भुलेखा लग गया था, जिस कारण मैं टेम्पू के रुकने से पहले ही उतरते समय गिर गया। कुल मालिक परम पिता जी हर पल अपने जीव के अंग संग रहते हैं और प्रति एक कठिनाई में उसकी मदद करते हैं। गिरते ही मैंने नारा लगाया और परम पिता जी को याद किया कि अब सच्चे सतगुरु जी के बिना कोई भी मदद नहीं कर सकता। परम पिता जी की अपार कृपा हुई, मेरी कमीज की बाजू टेम्पू के काबले में बुरी तरह फंस गई, जिस कारण मैं जमीन पर गिरने की बजाय टेम्पू के साथ ही लटकता गया। 20-25 कदमों तक मेरी यही हालत बनी रही। दरबार के सामने टेम्पू रोक कर ड्राइवर ने मुझको उतरने के लिए कहा। पीछे देखा तो वह एकदम घबरा गया, क्योंकि मैं टेम्पू में नहीं था। वह तुरंत टेम्पू से उतरकर पीछे की तरफ गया और मुझे टेम्पू से इस प्रकार लटकता देखकर वह और अधिक घबरा गया। मैंने ड्राइवर को कहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई, इसलिए तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ड्राइवर ने मेरी कमीज़ की बाजू काबले में से निकाल दी और मुझे स्वयं रानियां दरबार के अंदर जाकर छोड़ आया। दयालु दातार सतगुरु जी की अपार कृपया द्वारा मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। इस पर ड्राइवर बहुत ही हैरान था कि पता नहीं कब से तू टेम्पू के साथ लटकता आ रहा है, फिर भी तुझे बिल्कुल भी कोई चोट आदि नहीं लगी। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने वहाँ स्वयं उपस्थित होकर मेरी रक्षा की और मुझे कोई खरोंच तक भी नहीं आने दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि चलते हुए टेम्पू के साथ साथ परम पिता जी ने स्वयं छुप के अपना सहारा देकर मुझे सड़क से 2 फुट ऊपर उठा रखा हो, तथा टेम्पू रुकने के बाद धीरे से टेम्पू के साथ लिटा दिया हो। मैं अपने सतगुरु जी के बलिहारे जाता हूँ। सतगुरु मालिक ने काबले में कमीज फंसने का तो एक बहाना बना दिया, अगर कमीज ना फंसता तो मुझे चलते टेम्पू से उतरते समय भारी चोट लगती, परंतु परम पिता
दयालु दातार जी ने मुझे अपनी रहमत का सहारा देकर हर तरह से सुरक्षित रख लिया। सतगुरु जी ने अनंत बख्शिशें की। मैं एक शराबी कबाबी मनुष्य था। सच्चे पातशाह परम पिता जी की अपार कृपया हुई, मुझे 24/11/70 को नाम शब्द की दात मिल गई। मैं पहले किसी के ट्रक पर ड्राइवरी करता था। नाम शब्द प्राप्त करने के बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी की ऐसी दया मेहर हुई, जहां मैं पहले हर समय शराब के नशे में धुत रहता था, वहां अब मुझे नाम का रंग चढ़ गया और मैं हर समय नाम की मस्ती में मस्त रहने लगा। मेरी शादी 30/7/1962 को हुई, परंतु कई वर्ष तक मेरे घर कोई संतान नहीं हुई। नाम शब्द लेने के एक वर्ष बाद मेरे घर कुल मालिक की कृपया से एक लड़की ने जन्म लिया। मुझे बेअंत खुशी हुई। मैं उस लड़की को पूजनीय परम पिताजी से आशीर्वाद दिलवाने तथा उसका नामकरण करवाने के लिए दरबार में ले आया। दयालु दातार सतगुरु जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, भाई हम लड़कियों के नाम तो नहीं रखते, परंतु तुम्हारी सेवा एवं प्रेम को देखते हुए इसका नाम रख देते हैं। परम पिता जी ने मेरे परिवार को आदेश दिया, भाई तुम इसका नाम आशीर्वाद कौर रख लो और अच्छी तरह से याद कर लो। परम पिता जी के प्रत्येक वचन में राज की बात होती है। मैं अपनी लड़की को परम पिता जी की तरफ से आशीर्वाद दिलवाने और उसका नाम रखवाने के लिए लाया था। अंतर्यामी दयालु मालिक जी ने अपने एक ही वचन से दोनों काम कर दिए और साथ में सारे परिवार को आशीर्वाद भी दे दिया। जब से मैं नाम शब्द लेकर सेवा में लगा हूँ, तब से सच्चे पातशाह जी के आशीर्वाद द्वारा मेरे घर में बेअंत बरकतें एवं रहमतें प्रत्यक्ष देखने में आई हैं। कुछ दिनों बाद मैंने एक और नए ट्रक में अपना हिस्सा डाल लिया। सन 1982 में जब यूपी दरबार में चिनाई की सेवा चल रही थी, तो मैं भी अपने ट्रक से ईंटे ढोने की सेवा करने गया था। एक दिन रात की मजलस में मेहरबान दातार जी ने मुझे अपने पास बुलाकर मेरी सेवा से खुश होकर अपने पवित्र हाथ पर बंधी घड़ी उतार कर स्वयं अपने कर कमलों द्वारा मुझे भेंट की तथा साथ में यह वचन भी किया, भाई तुझे कोई और भी अच्छी वस्तु देंगे। अंतर्यामी परम पिताजी का इशारा मुझको पुत्र रत्न बख्शने का था, क्योंकि मेरे बारे बेपरवाह जी को स्वयं बहुत चिंता थी, क्योंकि तब मेरी लड़की 9 वर्ष की हो गई थी। मैंने 28/5/82 को एक और नया ट्रक खरीदा तथा परिवार सहित सच्चे पातशाह कुल मालिक जी के दर्शन करने के लिए मलोट दरबार में पहुंच गया। उन दिनों कुल मालिक परम पिता जी स्वयं मलोट दरबार में गए हुए थे। मेरी माता ने उस समय आगे होकर बेपरवाह जी के पास मेरे लिए एक लड़के की प्रार्थना की। इस पर बेपरवाह जी ने यह वचन फरमाया, अरे भोली, वह तो बहुत समझदार व्यक्ति है, उसने तो कभी भी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। परम पिता जी की कृपया व आशीर्वाद से लगभग 1 साल बाद मेरे घर लड़के ने जन्म लिया। वास्तव में कुल मालिक सर्वशक्तिमान दाता जी का तो पहले से ही इस बात पर ध्यान था। सच्चे पातशाह जी से मेरी माता द्वारा बच्चे की मांग करना एक बहाना ही था। इस बात को बेपरवाह जी ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में बता भी दिया था। जब मैं लड़के के जन्म के बाद दर्शन करने के लिए दरबार में गया, तो परम दयालु दातार जी ने मुझे तेरावास में बुलाकर मुझको पुत्र रत्न प्राप्ति की बधाई देते हुए वचन फरमाए, भाई चंद सिंह, कई बार ध्यान में आया कि तेरे घर एकमात्र लड़की ही है और लड़का भी होना चाहिए। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने तेरी सेवा मंजूर कर ली है। दयालु दातार परम पिता जी ने बाहर साह संगत में स्टेज पर विराजमान होकर सत ब्रह्मचारी सेवादार रतन जी को पास बुलाया तथा तेरावास की चाबी देकर आदेश दिया। ऊपर अलमारी में सुनहरी रंग का एक कागज पड़ा है, जिस पर लाल रंग में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ है।
वह लेकर आ। कुल मालक दयालु दातार जी अपने प्रत्येक जीव के संबंध में कितना ध्यान रखते हैं, यह बात उपरोक्त प्रत्यक्ष प्रमाण से स्पष्ट हो जाती है। सच्चे पातशाह जी ने मुझे बेअंत रहमतों का खजाना वह सुनहरी कागज लाल अक्षरों में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ इलाही तोहफा भेंट करते हुए वचन फरमाया, भाई जिस कमरे में लड़का रहता है यह उसी कमरे में लगा देना। उसी समय परम पिता जी ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा हमें प्रसाद भी दिया। जो मनुष्य सच्चे व पवित्र हृदय से कुल मालिक की साह संगत की सेवा करता है उसे कुल मालिक अपने सब बरकतें तथा रहमतें प्रदान कर देता है। अर्थात कुल मालिक अपने बच्चों से कुछ भी छुपा कर नहीं रखता। परम पिता जी की कृपा से अब मेरे पास 2-3 ट्रक हैं, रहने के लिए एक बढ़िया मकान तथा दुनियावी सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आजकल भी मैं परम पिता जी की दया मेहर से दरबार की दिन रात सेवा करता हूँ। मालिक के प्यारे जीव को अपने सतगुरु से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी जरूरी सुविधाएं प्रेमी को वे अपने आप ही प्रदान कर देते हैं और कभी भी इसके बारे में उस पर एहसान नहीं जताते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।